नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 20 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, तो इसका जो 19वां शिखर सम्मेलन है ये युगांडा में, तो युगांडा में प्रारंभ हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो 2 दिवसीय 19वां जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM शिखर सम्मेलन, ये 19 जनवरी को युगांडा के कंपाला में शुरू हुआ है और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। तो ये भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन है। 19 जनवरी को होगा। 19वें NAM शिखर सम्मेलन का जो विषय है यह है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी स्थापना 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुई थी और जो पहला NAM शिखर सम्मेलन है यह सितंबर 1961 में बेलग्रेड योगोस्लाविया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर टू है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। तो जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान है ये असम राज्य में प्रारंभ किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बना है। तो कौन सा भारतीय संस्थान बना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बना है TCS। तो एक्सचेंजर ने पहला जो सबसे मूल्यवान हुआ है एक्सचेंजर, ये 40.5 अरब डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड बना है। दूसरे नंबर पे आता है TCS और तीसरे स्थान पर है इंफोसिस। तो ये भी भारत का ही संस्थान है। क्वेश्चन नंबर फोर है, कौन सी भाषा भारत की नवीं शास्त्रीय भाषा होगी। जो नवीं शास्त्रीय भाषा होगी वो होगी फारसी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के कदम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत जो फारसी भाषा है इसे भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया जाएगा। अभी तक भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें 2004 में पहली बार तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था और 2014 में ओडिशा को अंतिम शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर अभी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में। किसी भाषा को जो शास्त्रीय भाषा है इसको घोषित करने का जो मानदंड है वह है संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत प्रदान किए गए हैं। इसके मानदंड कौन कौन से मानदंड है, तो उच्च प्राचीनतम वाला ऐतिहासिक ग्रंथ हो किसी भाषा का, विरासत के हिस्से के रूप में पुराना साहित्य हो, और साहित्य भाषा और साहित्य के बीच अंतर। अब देखिए जो 6 भाषाएं, तो तमिल ये 2004 में शामिल की गई थी, ये पहली शास्त्रीय भाषा थी। संस्कृत को 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। कन्नड़ जो भाषा है इसे 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया था। तेलुगु को 2008 में कन्नड़ के साथ ही इसे जोड़ा गया था और मलयालम को 2013 में और उड़िया को इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाल ही में मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है। जो मवेशियों का त्योहार कनुमा है तो इसका आयोजन हुआ है तेलंगाना में। तो तेलंगाना में मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाल ही में ऑपरेशन मार्ग बार समाचार किसने चलाया। जो ऑपरेशन मार्ग बार समाचार समाचार नहीं है सर्माचार, जो मार्ग बार सर्माचार है, तो
तो ये किसके द्वारा चलाया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर चलाते हुए ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में हमले किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाली राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है गुजरात। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा फोर्थ स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी की गई है। और जो स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की जो रिपोर्ट है, तो इसमें भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो तीसरे नंबर पे है भारत। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं वह है गुजरात, कर्नाटक और केरल। तो ये 3 राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, इसमें पहले नंबर गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट जो ऊंची कांस्य प्रतिमा है, तो इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन। तो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर BR अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है। और इस प्रतिमा को नाम दिया गया है सामाजिक न्याय की प्रतिमा। सामाजिक न्याय की प्रतिमा इसे नाम दिया गया है। और यह डॉक्टर BR अंबेडकर के योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है ये कांस्य प्रतिमा। तो दोस्तों ये हो गए आज 20 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jadhariclasses.com, और इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।